यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सपा संस्थापक सदस्यों में से एक पूर्व राज्यसभा सांसद स्वईश दत्त यादव की 23वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अभिन्न सहयोगी पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय ईश दत्त यादव की 23वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नेहरू हॉल में किया गया, जिसमें सपा नेता, कार्यकर्ता, अन्य दलों के नेता, अधिवक्ता एवं प्रबुद्धजनों द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कार्यक्रम संयोजक पूर्व राज्यसभा सांसद एवं स्वर्गीय सांसद जी के सुपुत्र नंद किशोर यादव ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हवलदार यादव व संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया। रास सांसद स्वर्गीय ईश दत्त यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने कहा कि उनका जीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते हुए बीता। सामान्य परिवार में एरा खुर्द गाँव में शिक्षक स्व शिवफेर यादव के सुपुत्र स्वर्गीय ईश दत्त यादव ने वकालत पेशे के जरिए जहां जनसेवा शुरू की, वहीं अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ पिछड़ों, दलितों और किसानों को लामबंद किया। चौधरी चरण सिंह के अन्य अनुयायी स्व जीरो सांसद के बीकेडी दमकिया लोकदल के अग्रणी पंक्ति के नेता के रूप में जाने जाते थे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भरोसेमंद स्वर्गीय सांसद की पहचान देश की संसद में एक प्रखर वक्ता और मृदुभाषी शालीन सांसद के रूप में थी। वह जनता पार्टी के लालगंज क्षेत्र से विधायक भी रहे। उनका जीवन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता है। उनकी सादगी, ईमानदारी बेबाकी अनुकरणीय है। श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करैली ने कहा कि स्वर्गीय ईश दत्त यादव पूर्वांचल में किसान, मजदूर, दबे, कुचले, वंचित तबके के मुखर आवाज थे। उन्होंने राज्यसभा में किसानों की समस्याओं को सदैव उठाया। सादगी की प्रतिपूर्ति स्वर्गीय सांसद का जीवन समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में बीता। सपा मुखिया अखिलेश यादव स्वर्गीय सांसद की विचारधारा को आगे ले चल रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि स्वर्गीय सांसद का जीवन दर्शन किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों के हित में किया गया। उनके संघर्ष युवाओं को प्रेरणा देगा। पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय सांसद ने पूर्वांचल में गरीबों, पिछड़ा और दलितों के हक और अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष किया गया। अंत में आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम संयोजक पूर्व राज्यसभा सांसद एवं स्वर्गीय सांसद के सुपुत्र नंद किशोर यादव ने कहा कि पिता का संपूर्ण जीवन एक आदर्श पाठ है। उनके जीवन को आत्मसात करके ही जनकल्याण के सपने को साकार किया जा सकता है। उनके पौत्र शशांक, शाश्वत किशोर व छोटे पुत्र अरविंद यादव लल्लू ने भी पुष्पांजलि अर्पित किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से डॉ हरिराम सिंह यादव, अरविंद यादव लालू, राजन रान, जयराम सिंह पटेल, सिंगारी गौतम, बुड्डी देवी, किरण श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार यादव लालू, राजेश गिरी, राजेश यादव, द्रौपदी पांडेय, रामरी सिंह चौहान, भोला मास्टर, अवधराज यादव, केशव यादव, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, लोकदल नेता पतिराम यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, सपा नेता हरिश्चंद पांडेय, रामजग, पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर, बैजनाथ पासवान, अनीता सरोज आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मेरा नाम शाश्वत किशोर यादव है। मैं स्वर्गीय ईश्वर यादव का पोता और आज 19 सितंबर को स्वर्गीय ईश्वर यादव पूर्व राज्यसभा सांसद जी की 23वीं पुण्यतिथि नेहरू हॉल सभागार में मनाई जा रही है और इस पुण्यतिथि में जिले, जनपद के और अन्य जनपदों के नेतागण और जो शुभचिंतक रहे हैं, जो पुराने साथी रहे हों, शुभचिंतक रहे हों स्वर्गीय सांसद जी के, वो आज के दिन आके अपने नेता, अपने साथी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हालांकि ये दिन हमारे परिवार के लिए और हम लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है, लेकिन हम लोग हर साल ये कार्यक्रम करवाते रहते हैं और यहाँ आने वाले तमाम लोगों जो स्वर्गीय सांसद जी के साथ रहे हैं और स्वर्गीय सांसद जी के विचारों पर चलने का काम करते हैं, उनसे स्वर्गीय सांसद जी के विचारों को जानने के बाद हम लोग को उन सांसद जी के बारे में जानने का अवसर मिलता है और उनके विचारों पर चलने का काम करने का अवसर मिलता है और ये कार्यक्रम हम लोग 23 साल से मनाते आ रहे हैं। आज स्वर्गीय सांसद जी की